बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वन क्लास, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू? ऑल ऑफ यू आर फाइन? यस, ओके। चलिए बेटा, आज हम इंग्लिश का अपना, कल हमने लेसन पढ़ा था ना, लेसन नंबर टू। क्या नाम था लेसन का? यस, माई फैमिली एंड आई। ओके, आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो पार्ट बी है हमारा, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमारे पास कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे हमसे लेसन के बाद कि देखें भाई, इन बच्चों ने लेसन को गौर से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इनको सवालों के जवाब आते भी हैं कि नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा है, हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव। आपने पूरी स्टोरी पढ़ी थी ना कि साद है, वो अपने बारे में बताता है कि आई एम साद। चलिए दोबारा देखते हैं, ठीक है, उसको, उसके बाद हमें पता चलेगा कि उसे कितने सिस्टर्स हैं और कितने भाई हैं। देखें, माई नेम इज़ साद, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम 6 years old, आई लिव विद माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, 2 brothers and a sister। मैं किस किस के साथ रहता हूँ? अपने पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, 2 brothers के साथ एंड आ सिस्टर, ठीक है? चलिए अब आंसर कर दें, आंसर करें शाबाश क्वेश्चन का। हाँ जी, साद है 1 sister, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 2 things दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। हाँ जी, 2 ऐसे काम बताएं जो साद घर आके करता है। क्या करता है घर आके वो? यस, अपना होमवर्क करता है। और क्या करता है? अपने भाइयों के साथ खेलता है। यस, अपने भाइयों के साथ खेलता है। सिस्टर के साथ भी खेलता है ना? यस। चलिए हम इसका भी आंसर अभी देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। आप क्या करते हैं शाम को, क्या पसंद करते हैं? खेलना, प्ले। आई लाइक टू प्ले। ओके, चले अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपने अपनी कॉपी नोटबुक को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? चले मैं हम ये पहले ये सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। चलें बच्चों, सबसे पहले हम नोटबुक को बनाना, उसको तैयार करना, प्रिपेयर करना सीखेंगे कि लिखने से पहले हमें सबसे ऊपर क्या लिखना है, ठीक है? तो ये देखें, हाँ जी, मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले हम क्लास वर्क कर रहे हैं ना, क्लास में बैठे हुए हैं, तो हमने ऊपर क्या लिखना है? क्लास वर्क। ओके, और लेफ्ट साइड पे हम डेट डालेंगे। आज क्या डेट है? 20th अगस्त। और साथ आप इसका ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठहरे, मैं ईयर साथ लिखती हूँ। चलिए, ठीक है, उसके बाद क्या डे है? व्हाट डे इज़ टुडे? फ्राइडे। टुडे इज़ फ्राइडे। साथ आपने डेली बेसिस पे यहाँ पर डे भी लिखना है, ठीक है? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यूनिट लिखेंगे। यूनिट कौन सा है हमारा? यूनिट नंबर 2। क्या, कौन सा यूनिट है? माय फैमिली एंड आई। एक्टिविटी हम क्या करने लगे हैं? क्वेश्चन आंसर्स। हाँ जी, हमने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखें। जी, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव। साद हैव 1 sister। क्या आंसर है इसका? साद हैव 1 sister, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 2 things दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। राइट 2 things दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल। स्कूल से वापस आके क्या करते हैं साद? यस, ही डज हिज होमवर्क। और क्या करते हैं? ही प्लेज विद ब्रदर्स एंड सिस्टर। वो अपने भाई और बहनों के साथ खेलते हैं। ओके, यस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन इवनिंग। आप क्या पसंद करते हैं इवनिंग में करना? I like to play with toys. आपको खेलना पसंद है ना? Yes. चले आप इसको, अब मैं लिख के देती हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद आपने इसको कॉपी पे लिखना है, ठीक है? नोटबुक पे लिखना है, और नोटबुक आपने ऐसे ही प्रिपेयर करनी है जैसे आपको मैंने बताई है।
जी बच्चों, क्वेश्चन के आंसर्स करने के बाद हमारा नेक्स्ट हमने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक। ठीक है, ये आपके पास वर्ड बैंक दिया हुआ है। यहाँ पर उन्हें आपको तीन वर्ड्स दिए हुए हैं। पहला क्या है, ग्रीन, ऑरेंज, लाइक। अब आपने इन तीनों वर्ड्स को देखना है और सूटेबल वर्ड हमने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज दिस इज एंड डैश। हाँ जी, क्या नज़र आ रही है आपको, ऑरेंज है। यस, अब क्या लिखेंगे, दिस इज एन ऑरेंज। लेट पेंसिल ले लें, कच्ची पेंसिल, आपने उससे इसको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज एन ऑरेंज। और उसके बाद इट्स लीव्स आर डैश। लीव्स का कलर क्या है बेटा, ये लीव्स हैं, इसके पत्ते, क्या कलर है इसका, ग्रीन। इट्स लीव्स आर ग्रीन। आई डैश इट, आप लाइक करते हैं इसको। यस, आई लाइक इट। चलें फिल करें इसको। चलें, हो गया। दिस इज एन ऑरेंज, इट्स लीव्स आर ग्रीन, आई लाइक इट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्ट थ्री, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आई हैं, ये हमारे लेसन में से आई हैं। ठीक है, अब लेसन तो हम पढ़ चुके हैं ना, अच्छे से याद भी कर लिए, अब आप मुझे बताएंगे। ठीक है, द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज साद इज डैश ईयर्स ओल्ड। कितने साल का है साद, कितने साल का है, सिक्स। यस, तो ये हमने इसको टिक कर देना है कि वो सिक्स ईयर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट है, साद हैज़ डैश फैमिली मेंबर्स। काउंट करें साद के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, किस किस के साथ रहता है, दो उसके भाई हैं, एक उसकी सिस्टर है, उसके पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स, दो भाई, फोर, दो उसके हो गए ग्रैंड पेरेंट्स, कितने हो गए, सिक्स, और एक उसकी सिस्टर, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, सेवन, सेवन लोग। ठीक है, हमने सेवन को यहाँ पे टिक कर देना। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट ब्लैंक है, साद वॉशेज हिज हैंड्स विद डैश एंड वाटर। हाँ जी, पानी और किस चीज़ से धोता है वो अपना हाथ, सोप के साथ। यस, आपने सोप को टिक कर देना है। ओके, और लास्ट वन है, साद्स डैश टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी। कौन सुनाता है बेड टाइम स्टोरी साद को, साद्स मदर। यस, अब यहाँ पर हमने मदर को टिक कर देना है। चलें बच्चों, आज के लिए हमारा काफ़ी है यहाँ तक, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से याद करके आना है इसको।